करणवीर मेहरा और निधि सेठ है फाइनली गॉट डाइवोर्स्ड आफ्टर 2 years ऑफ देयर मैरिज। करण और निधि ने 2021 में शादी की और फिर 2 साल बाद अब ये दोनों अलग हो गए हैं। निधि और करण के डाइवोर्स को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अगर निधि की माने तो उनकी शादी के कुछ ही महीनों के बाद करण और उनके बीच चीजें बिगड़ने लगी। निधि के अनुसार उन दोनों के बीच ना तो रिस्पेक्ट थी और ना प्यार। निधि ने अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बताया और कहा कि किसी को भी एक गलत रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता। निधि का कहना है कि अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी नहीं है तो रिलेशनशिप का कोई वजूद ही नहीं है। इन अप्रैल 2023 निधि ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से करण और अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी और तभी से उनके फैंस ये अनुमान लगा रहे थे कि कुछ तो सही नहीं है दोनों के बीच। और आज इस बात की पुष्टि खुद निधि ने कर ही दी। 2008 में निधि और करण एक एड शूट के दौरान मिले। दे बिकम फ्रेंड्स एंड देन फेल इन लव एंड बोथ गॉट मैरिड इन 2021। वैसे ये दूसरी बार है जब करण की शादी असफल रही। बिफोर डेटिंग एंड गेटिंग मैरिड टू निधि, करण ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड देविका से 2009 में शादी की और 2018 में उनका डाइवोर्स हो गया। करण काफी टेलीविजन शोज और कुछ फिल्म्स कर चुके हैं। Currently he is busy with बातें कुछ अनकही सी जो इस वक्त स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हो रहा है। निधि भी एक एक्टर है और इस वक्त वो अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रह रही हैं। अब जो हुआ सो हुआ, हम तो बस इतना ही चाहेंगे कि करण और निधि दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहे। अगर आपको करण या निधि को कोई भी मैसेज देना है तो आप अपना मैसेज हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका मैसेज उन दोनों तक जरूर पहुंचा दें। एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज़ वी एट बॉम्बे ब्लूज सेलिब्रेट एंटरटेनमेंट।